हेलो दोस्तों, आज का जो वीडियो है वो है पूसा डिकम्पोजर पर। ये UPSC सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन का GS3 का इन्वायरमेंट सेक्शन का टॉपिक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं पूसा डिकम्पोजर के बारे में। पूसा डिकम्पोजर जानने से पहले हमें एक छोटी सी बात जाननी पड़ेगी कि इसकी ज़रूरत क्यों है। पूसा डिकम्पोजर की ज़रूरत इसीलिए है क्योंकि आप सभी लोग ये जानते होंगे कि नॉर्थ इंडिया वाले साइड स्टबल बर्निंग का इशू बड़ा है। स्टबल बर्निंग जब पैडी की हार्वेस्टिंग होती है तो पंजाब और हरियाणा के जो फार्मर हैं उनको अपनी नेक्स्ट जो क्रॉप होती है रबी, उसके लिए टाइम बड़ा कम मिलता है, तो उसको वो डिकम्पोज नहीं कर पाते, तो इसीलिए वो स्टबल बर्निंग कर लेते हैं क्योंकि वो चीप होता है, इतना ज़्यादा फाइनेंशियल इशू नहीं होता उसको करने के लिए, तो वो उसको आग लगा देते हैं जिसको हम नॉर्मल भाषा में आग लगा देते हैं। तो उस स्टबल बर्निंग के कारण जो जो हमारा दिल्ली का रीजन है और उसके जो सराउंडिंग एरिया है उसकी पूरी साइड में एयर पोल्यूशन हो जाता है, एयर क्वालिटी काफ़ी कम हो जाती है। तो यही एक कारण है कि पिछले काफ़ी देर से ऐसी टेक्नोलॉजीज़ की इन्वेंशन की जा रही है जिससे स्टबल बर्निंग का इशू जो नॉर्थ इंडिया में विंटर में होता है पैडी हार्वेस्टिंग का, वो थोड़ा कम हो पाए। तो आइए जानते हैं पूसा डिकम्पोजर। सबसे पहले हम इसके फीचर देखेंगे, फिर इसके पॉजिटिव और नेगेटिव। फीचर में आएगा इसका सबसे पहले कि इसको डेवलप किसने किया है। इसको डेवलप किया है इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट ने, ठीक है। तो ये होता क्या है, ये फंजाई बेस्ड ल्यूकिड सॉल्यूशन होता है। जो स्टबल होती है वो हार्ड होती है और जब उसको ये सॉफ्ट कर देता है और जो जो स्टबल होती है वो ईजिली मिक्स हो जाती है सॉइल में और कंपोजिट का काम करती है, मैन्यूअर का काम, खाद का काम करती है। और अगर हम देखें तो इसके जो पैकेट हैं, एक 4 कैप्सूल आएंगे एक उस रैपर में, पूरे में 20 रुपये का पर पैकेट है, मतलब एक पैकेट में 4 कैप्सूल 20 रुपये के। तो अगर फाइनेंशियली भी देखें तो ये इतना महंगा नहीं है, चीप ही है। तो इसके बारे में UPSC नॉर्मली नहीं पूछता इनके बारे में, लेकिन मेंस आंसर राइटिंग में लिखने के लिए या इंटरव्यू में कभी आपसे पूछ लें कि इसका क्या प्रोसेस है तो आपको पता होना चाहिए। इसके लिए 25 लीटर जो बाटर होता है उसको 150 ग्राम जैगरी के साथ मिक्स किया जाता है और फिर उसको ठंडा किया जाता है, और उसके बाद 50 ग्राम बेसन ग्राम फ्लोर जिसको कहते हैं वो उसको ऐड किया जाता है, जो 4 पूसा कैप्सूल होते हैं। फिर उसके बाद सॉल्यूशन को कवर कर दिया जाता है एक पतले से कपड़े के साथ और उसको छोड़ दिया जाता है अंधेरे कमरे में 4 दिनों के लिए। चौथे दिन उसके ऊपर जो एक फंजाई जैसा होता है उसकी ग्रोथ हो जाती है कपड़े पे, तो उसको मिक्स किया जाता है और वो रेडी हो जाता है और उसको यूज़ करते हैं जैसे वो क्या बोलते हैं उसको, हमारे फार्मर यूज़ करते हैं केमिकल ड्रॉप करने के लिए, हाँ उससे किया जाता है। तो अगर इसका देखें तो ये जो 25 लीटर है वाटर का वो नॉर्मली यूज़ हो जाएगा 1 हेक्टर ऑफ लैंड के लिए। तो हम अगर इसके एडवांटेज देखें, अभी हमने इसके फीचर देखे, फ़ीचर आपको पता होने चाहिए, नॉर्मली ये इंटरव्यू में पूछ सकते हैं वो। और अगर इसका दूसरा फ़ायदा देखें तो ये वाटर इतना कंज्यूम नहीं करता, तो ये इजी है, इनएक्सपेंसिव भी है। और अगर इसका एडवांटेज देखें, एडवांटेज में इसका सबसे पहले आएगा स्टबल बर्निंग नहीं होगी, क्योंकि जब इसी की बोशार वो उसके ऊपर करेंगे जो मतलब मल्च बचा हुआ है तो स्टबल बर्निंग नहीं होगी। और चीप है, 20 रुपये का पर पैकेट है जिसमें 4 कैप्सूल आते हैं। और कभी कभी जब हम स्टबल बर्निंग करते हैं मैक्सिमम टाइम जो उसकी एसेंशियल न्यूट्रिएंट होती हैं जैसे नाइट्रोजन है पोटेशियम है, वो
वो भी चले जाते हैं। और कुछ एसेंशियल माइक्रोब्स होते हैं जो सॉइल में काफ़ी हेल्पफुल होते हैं, तो वो भी जब हम स्क्रबर बर्निंग करते हैं तो वह माइक्रो ख़त्म हो जाते हैं, ठीक है, स्टबल बर्निंग के कारण। ये इसके एडवांटेज हैं। और इसका एक इशू है, इसका जो कंप्लीट जो प्रोसेस है वो 20-25 दिन का है, लेकिन जो पंजाब और हरियाणा वाले फार्मर हैं उनको 7 या 10 दिन का टाइम ही मिलता है क्लियर फील करने के लिए। तो ये एक छोटा सा वीडियो था पूसा डिकम्पोज़र के ऊपर, क्योंकि इन्वायरमेंट से रिलेटेड जो भी कुछ न्यू डेवलपमेंट हो रही हैं उनके ऊपर UPSC की पूरी नज़र रहती है। जैसे इस साल उन्होंने क्वेश्चन पूछना है इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट का, वो न्यूज़ में था। तो अगर देखें जो स्टबल बर्निंग है वो भी काफ़ी देर से इशू में है, न्यूज़ में है, तो ये सोल्यूशन पूछ सकते हैं, क्वेश्चन पोटेंशियल बन सकता है, तो इसलिए आपको इसका पता होना चाहिए। प्रीलिम्स में भी बन सकता है, मेंस में भी आ सकता है, और इंटरव्यू में भी शायद पूछ ले अगर आप क्वालिफाई कर जाते हो पहले 2 स्टेजेस। ठीक है, तो ये था हमारा छोटा सा एक वीडियो पूसा डिकम्पोज़र के लिए।